दोस्तों आपके पास जो फ्रेंचाइजी का ऑफर अवेलेबल है वो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। कंपनी जिस रेट में आपको फ्रेंचाइजी दे रही है, यकीन मानिए कोई भी एक अच्छी ब्रांडेड फ्रेंचाइजी आपको इतने कम दाम में नहीं मिलेगी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस YouTube चैनल पर मैं आपको तरह तरह की फ्रेंचाइजी बताता हूँ और इसी फ्रेंचाइजी की श्रृंखला में आज जो फ्रेंचाइजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो फ्रेंचाइजी है फूड एंड बेवरेजेस की फ्रेंचाइजी। दोस्तों जिस ब्रांड की मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस ब्रांड का नाम है मिस्टर शर्मा। दोस्तों शर्मा के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों शर्मा एक रोल की तरह डिश होती है जिसके अंदर आपको बेसिकली रोल के अंदर अलग अलग तरीके के नॉन वेजिटेरियन फूड्स मिलते हैं। दोस्तों मिस्टर शर्मा ने इस शर्मा डिश को अलग अलग तरीके से इनोवेट किया है। जब आप मिस्टर शर्मा के किसी काउंटर पर आकर शर्मा डिश को ट्राई करेंगे तो आपके मुंह में पानी आ ही जाएगा। यहाँ पर ना कि आपको केवल नॉनवेज डिशेस मिलती हैं बल्कि आपको प्योर वेजिटेरियन डिशेस भी मिलती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मिस्टर शर्मा के मेन्यू में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले चूंकि इस ब्रांड का नाम ही मिस्टर शर्मा है तो आपको अलग अलग तरीके के वेज एंड नॉनवेज शर्मा तो टेस्ट करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मोमोज मिलेंगे, मोमोज में भी आपको कई सारे वैरायटीज मिलेंगी। आपको रोल्स मिलेंगे, आपको दोस्तों पनीर टिक्का मिलेगा। अगर हम बात करें कुछ और स्पेशल डिश की तो आपको सैंडविचेस मिलेंगे, आपको बेवरेजेस मिलेंगे, आपको नॉर्थ इंडियन और इंडियन फूड मिलेगा। स्पेशल थाली भी है इनकी, आपको वेज थाली भी मिलेगी, नॉन वेज थाली भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको कई तरीके के चाइनीज डिशेस मिलेंगी, आपको चापे मिलेंगी, आपको पास्ता भी मिलेगा कई काउंटर्स में। दोस्तों इनका जो मेन्यू है वो एक बहुत ही बड़ा मेन्यू है। आप जिस भी तरीके की डिश के शौकीन हैं हर तरीके की डिशेस आपको मिस्टर शर्मा के काउंटर पर खाने को मिलेंगी। मिस्टर शर्मा के जो ओनर है मिस्टर समर्पित आहूजा जी, इन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से इन डिशेस को इनोवेट किया है। मिस्टर शर्मा की जो शुरुआत हुई वो दिल्ली से हुई है और आज इनके काउंटर्स दिल्ली में हैं। दिल्ली के अलावा आपको पंजाब में मिल जाएंगे, यूपी में मिल जाएंगे, उत्तराखंड में मिल जाएंगे, कई जगह इनके काउंटर्स आज के दिन अवेलेबल है। और कंपनी फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपने बिजनेस को पूरी इंडिया में फैलाना चाहती है। दोस्तों आपके पास जो फ्रेंचाइजी का ऑफर अवेलेबल है वो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। कंपनी जिस रेट में आपको फ्रेंचाइजी दे रही है, यकीन मानिए कोई भी एक अच्छी ब्रांडेड फ्रेंचाइजी आपको इतने कम दाम में नहीं मिलेगी। कंपनी के पास फ्रेंचाइजी के दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है जिसे हम क्लाउड किचन टेक अवे या फिर ड्राइव थ्रू फ्रेंचाइजी बोलते हैं, मतलब कि जहां पर आपको बैठ के खाने के लिए जगह नहीं होगी, आप खड़े होकर खा सकते हैं या फिर आप पैक करके घर ले जा सकते हैं या फिर आप स्विगी जोमेटो या ऑनलाइन इनके फोन नंबर पर ऑर्डर करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो ये जो फ्रेंचाइजी है जिसे हम टेक अवे या फिर ड्राइव थ्रू या फिर क्लाउड किचन फ्रेंचाइजी बोलते हैं, पहला बिजनेस मॉडल है। दूसरा जो इनका बिजनेस मॉडल है वो है डाइन इन, जहां पर कि आपको बैठकर खाने की भी सुविधा अवेलेबल होगी, आपको वेटर्स आपको सीट पर लाकर फूड सर्व करेंगे। दोस्तों जो डिशेस हैं डाइन इन में अलग हैं और टेक अवे में अलग हैं। टेक अवे में जितनी भी डिशेस हैं वो बहुत जल्दी प्रिपेयर होने वाले डिशेस हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको मोमोज मिलेंगे, आपको रोल्स मिलेंगे, शर्माज मिलेंगे, आपको इसके अलावा सैंडविचेज मिलेंगे और साथ ही साथ कई तरह के अलग अलग बेवरेजेस मिलेंगे जो आप मिस्टर शर्मा के टेक अवे मॉडल में आप ले सकते हैं। टेक अवे मॉडल में अगर हम बात करें, अगर आप किसी नॉर्मल फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करते हैं तो टेक अवे फ्रेंचाइजी ही आपकी 5 से 6 लाख रुपये में शुरू होती है। लेकिन मिस्टर शर्मा अभी इनिशियल ऑफर में कुछ दिनों के लिए आपके लिए फ्रेंचाइजी केवल 3.49 लाख में लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, सिर्फ 3.49 लाख में आपको कंप्लीट फ्रेंचाइजी स्टार्ट करके दे रहा है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस इसी में है जो कि ना के बराबर है। आपको कंपनी पूरी ट्रेनिंग देती है, शेफ सपोर्ट देती है, आपको स्टाफ का सपोर्ट देती है, आपका पूरा किचन इक्विपमेंट कंपनी की तरफ से मिलते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स आपके किचन में लगेंगे सारे इक्विपमेंट्स आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगे। केवल आपको गैस सिलेंडर और पानी, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे पानी हो गया या फिर गैस सिलेंडर हो गया या फिर आपको डक्टिंग के लिए जो जगह बनानी होती है, मान लीजिए कि गैस निकलने की जगह नहीं है तो आपको डक्टिंग करानी हो, डक्टिंग आपको करानी होगी। उसके अलावा जितना भी आपका किचन इक्विपमेंट लगता है, भले वो टेबल टॉप हो, आपके फ्रायर्स हो, शर्मा की मशीन हो, भट्टी हो, कुछ भी हो, हर चीज कंपनी आपको देती है, आपको एक चम्मच तक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इसके अलावा पूरा मेन्यू सपोर्ट मिलता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, आपके बिजनेस को प्रमोशन सपोर्ट मिलता है, हर चीज मिस्टर शर्मा देती है। मिस्टर शर्मा जो आपको दे रहा है इसके अलावा आपको क्या लगाना पड़ता है, आपको अपना रेंट लगाना पड़ता है। अगर आपकी दुकान है तो आपका रेंट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपकी दुकान नहीं है तो रेंट का खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके अलावा एक फ्रंट काउंटर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा,
बेसिकली सिविल सेटअप, जिसे हम काउंटर सेटअप हो गया, डक्टिंग हो गया या फिर सिलेंडर हो गया, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करके देनी पड़ेंगी, बाकी सब चीज आपके लिए शर्मा करेगा। तो आप 3.49 लाख रुपीस में आप मिस्टर शर्मा की टेक अवे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास 300-400 या फिर उससे बड़ा स्पेस है तो आप मिस्टर शर्मा की डाइन इन फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। डाइन इन फ्रेंचाइजी में जो मेन्यू होता है, टेक अवे में जितना मेन्यू होता है वो तो सारा होता ही होता है, साथ साथ में थाली ऐड हो जाती है, नॉर्थ इंडियन फूड ऐड हो जाता है, वेज और नॉन वेज पूरा, चाइनीज फूड ऐड हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, एक कंप्लीट रेस्टोरेंट सेटअप आपका हो जाता है और लोग यहाँ पर ना कि सिर्फ फास्ट फूड के लिए बल्कि कंप्लीट फूडिंग के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए भी आपके पास आते हैं और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, आपके पास अगर 300 या उससे बड़ी जगह है तो आप डाइनिंग में जाएं, अगर आपका 100-125 या 150 स्क्वायर फीट जगह है तो आप टेक अवे फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो डाइनिंग फ्रेंचाइजी है इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, इनकी जो डाइन इन फ्रेंचाइजी है, डाइन इन फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहले तो 300 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा जगह चाहिएगी। आपको जो इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा मिनिमम 10 लाख है और मैक्सिमम 11-12 लाख रुपए जा सकता है अगर आपकी स्पेस 300 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में है। अगर आपकी स्पेस बड़ी है तो पर 100 स्क्वायर फीट आपका 1-1.25 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका फर्नीचर फिक्स्चर का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। यहाँ पर कंपनी आपके लिए टेबल, चेयर, क्रोकरीज, एवरीथिंग, हर चीज़ आपके लिए अरेंज करके देती है। चूंकि यहाँ पर मेन्यू बढ़ गया है इसलिए मशीनरीज बढ़ जाती हैं, आपका इलाका बड़ा है, कस्टमर ज़्यादा आने के चांसेस हैं, इसलिए आपको मशीनरीज भी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं ताकि ज़्यादा लोग भी आएँ, उस समय भी आपके प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए और आप ज़्यादा भीड़ को भी मैनेज कर सकें। आपको कंप्लीट ट्रेनिंग, स्टाफ सपोर्ट, जो सब चीज़ें आपको टेक अवे में मिलती हैं, सब चीज़ें आपको डाइनिंग में भी मिलेंगी। तो इस तरीके से आप टेक अवे मॉडल या फिर डाइन इन मॉडल मिस्टर शर्मा का ले सकते हैं। अब लोग यहां पर जानना चाहते हैं प्रॉफिट कितना होगा, इनकम कितनी होगी। दोस्तों, यहां पर इनकम की हम बात करेंगे, उससे पहले आते हैं प्राइसिंग की बात। इनकी जो प्राइसिंग है बहुत ही जेन्युइन है। आप कहीं पर भी स्टार्ट करें, टायर 2 सिटी में करें, टायर 3 सिटी में करें या फिर टायर 1 सिटी में करें, हर जगह आप इनके स्टोर को ओपन कर सकते हैं। हर जगह प्राइसिंग कंपनी आपके साथ बैठकर डिस्कस करती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसी प्राइसिंग रखना हो। जैसे कि आप दिल्ली की कनॉट प्लेस की बात करें, वहां पर अगर आपने कोई 100-150 स्क्वायर फीट भी जगह लेंगे, वहां पर आपको 2-2.5 लाख रुपए किराए पे मिलेगी, शायद इससे ज्यादा में भी मिले। वहां पर स्टाफ कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, वहां पर आपका रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है और उसी समय वहां पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो वहां पर रोल्स के प्राइस थोड़े से महंगे होंगे। ठीक उसी समय अगर हम बात करें रुड़की जैसी जगह की या फिर और किसी टायर 2 या टायर 3 टाउन की, जहां पर आपको 10,000-15,000 रुपए में 200-250 स्क्वायर फीट की जगह दुकान किराए पे मिल जाती है, स्टाफ भी सस्ते होते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी सस्ता होता है, ठीक उसी समय लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी कम होती है। अगर हम एक रोल की बात करें, एक रोल जो सीपी में 150 रुपए का बिक सकता है, वही रोल आपका जो टायर 2 या टायर 3 सिटी में है 50-60 रुपए का बिकेगा। तो ये जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग कंपनी आपके साथ बैठकर सेट करती है। और दोस्तों, इसके अलावा कंपनी आपको गाइडेंस भी करती है कि कहां पर किस प्राइस में क्या प्रोडक्ट सेल होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, जैसे कि आपने फाइनल किया इस ब्रांड को फाइनल कराने के बाद आपको फ्रेंचाइजी बताओ के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक एक्स अमाउंट पे करनी पड़ती है, और उस पेमेंट के बाद कंपनी आपके स्टोर पर आकर स्टोर विजिट करती है। स्टोर विजिट करने के बाद आपको हर चीज़ की लिस्ट दी जाती है, और जब आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो कंपनी आपके स्टोर पर काम करना चालू कर देती है और विद इन 1 मंथ आपके पूरे स्टोर को शुरू करवा देती है। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली खाने पीने की चीज़ों में 40% तक का फूड कॉस्ट आता है। जैसे कि सपोज करिए आपने 5 लाख रुपए का सेल्स किया, 5 लाख का अगर 40% की बात करें तो 2 लाख रुपये आपके कॉस्ट चले गए, 3 लाख रुपये आपकी ग्रोथ सेविंग हुई, इस ग्रोथ सेविंग में आपको रेंट देना है, 3-4 इंप्लॉयज की सैलरी देनी है, आपको बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, गैस के खर्चे हैं और कई सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि 1-1.25 लाख ये भी खर्चे हो जाएंगे, तब भी आप 1.25-1.5 लाख रुपए आसानी से 5 लाख रुपए की सेल पर कमा सकते हैं। और 5 लाख की सेल के लिए आपको 15,000 रुपए या 16,000 रुपए डेली की सेल चाहिए, अगर आप थोड़ी सी मार्केटिंग प्रमोशन में काम करेंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, तो ये सेल्स इजीली अचीवेबल हैं, क्योंकि इनके मेन्यू की रेंज बहुत ज़्यादा है और लोग इनके मेन्यूज को पसंद करते हैं, इसलिए आप आसानी से मिस्टर शर्मा के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से राय रहेगी कि जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 3-4 महीने का वर्किंग कैपिटल अपने हाथ में लेकर चलें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। जैसे कि कोरोना का टाइम आया या फिर किसी और कारण से अगर कुछ टाइम आपका रेस्टोरेंट नहीं चला, तो ऐसे केस में ऐसा ना हो कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाए।
दोस्तों होने को ये भी हो सकता है कि पहले महीने में ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाए और आप अपने इन्वेस्टमेंट का 25% या 30% पहले महीने में निकाल लें। लेकिन कभी भी आपको संभावनाओं पर नहीं चलना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर बिजनेस को करना चाहिए ताकि आप किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक सस्टेन कर सकें, आप लंबे समय तक प्रॉफिटेबल कमा सकें। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी जानकारी चाहते हैं, कैसी भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैं आपके लिए सारी की सारी जानकारी दूंगा। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट कराने में मैं या मेरी टीम आपको हेल्प कराएगी। और दोस्तों आप देखते रहिए इस चैनल को, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बिजनेस आइडियाज, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया फ्रेंचाइजीज यहां पर मिलती रहेंगी। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। मेरी आईडी है फ्रेंचाइजी बताओ। जय हिंद, जय भारत।